दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जब आप अपना अकाउंट बनाया क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद में आपको अमेजोन की कुछ ऐसी मेन जो गाइडलाइंस होती है उनको आपको फॉलो करना होता है, और अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। और एक बार अगर कोई अकाउंट आपका टर्मिनेट हो जाता है तो दोबारा उस पर अमेजोन की ओर से आपका एक्टिवेट नहीं किया जाता है। तो उसी का मैं यहाँ पे वो जो गाइडलाइन है वो कौन कौन सी ऐसी मेन गाइडलाइन है, यानी कि जो आपको अपने उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है और उसके अगेंस्ट आपको जो है कोई भी पॉलिसी वोलेशन आपको नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट जो है अमेजोन की ओर से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कभी भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप ये डिटेल में कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जब अपन कोई भी आप अपना साइनअप के लिए फॉर्म जो सबमिट करते हैं तो उसके बाद अमेजोन की टीम जो होती है उसको वेरीफाई करती है कि आपने जो है जो साइनअप जो फॉर्म किया है वो इसके क्वालिफाइड है या नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने एक यहाँ पे कंडीशन दी है कि एटलीस्ट आपके तीन जो होती हैं, यानी कि तीन जो ऑर्डर होते हैं वो आपके 180 डेज के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर आपके कम से कम अप्रोक्स जो होती है कि 6 महीने के अंदर आपके अकाउंट से अमेजोन का जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोग्राम होता है कम से कम 3 ऑर्डर आपके इसमें प्लेस होने चाहिए। और इसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि प्लीज़ नॉट पर्सनल ऑर्डर डू नॉट क्वालिफाई, यानी कि इसका कहने का मतलब होता है कि अगर आपने अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद में आप खुद अपने अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो इसके अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे, ये चीज़ हो गया। और इसी के बाद में इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आप जो होते हैं कि कोई सी भी जो सोशल साइट्स जो होती है वो उसमें कम से कम, यानी कि गुड आपके जो रूल होते हैं एटलीस्ट 180 डेज के अंदर आपकी कम से कम जो है 10 पोस्ट जो है आपकी उसमें होनी चाहिए। तो 10 पोस्ट से मतलब होता है कि आपका 6 महीने के अंदर जो भी होता है, अगर एक तो इन्होंने क्राइटेरिया स्टार्टिंग के अंदर ही दिया है और ये इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपकी 10 पोस्ट उसमें होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो होता है कि आपके जो वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि कैन नॉट बी पर्टिकुलर ऑर्डर द सर्कमस्टांसेस, यानी कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो कोई सी भी अनसुटेबल साइट्स नहीं होनी चाहिए। अनसुटेबल साइट्स जो होती है यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इसमें लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि इसके अंदर कोई भी इस तरह की कोई आपकी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, यानी कि पोर्नोग्राफी कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिसी वॉयलेशन के अगेंस्ट जो होती हैं वो नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है आपकी साइट से नहीं होनी चाहिए। यानी कुछ इनका अपना क्राइटेरिया होता है कि जो वेबसाइट आप इसमें ऐड करते हैं उसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर वो वेबसाइट नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गया। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि कोई भी अगर आप जो अगर पॉलिसी वॉयलेशन करते हैं या इसके अंदर आपका रिव्यू के अंदर ये चेक किया जाता है तो उसमें आपका जो साइनअप आपने किया है उस अकाउंट को ये रिजेक्ट कर देंगे। और वेबसाइट के बारे में इन्होंने लिखा है कि आपकी जो वेबसाइट का जो होता है कंटेंट जो होता है, यानी जनरली विद इन द लास्ट 60 डेज, यानी कि कोई भी अगर आप अपनी साइट इसमें देते हैं और देने के बाद एटलीस्ट कम से कम जो होती है तो 60 दिन, यानी कि उसमें जो आपके एड पोस्ट करते हैं या कोई भी आप उसमें प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो कम से कम 2 महीने उसमें ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अपडेट उसमें होना चाहिए 60 डेज का जो होता है कि आपका उसके अंदर कोई भी पोस्ट या आपकी तरफ से कोई कंटेंट उसमें ऐड होना चाहिए। और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं तो उसका भी अपना यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया की भी यहाँ पे पूरा लिंक दिया गया है, उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब बात करते हैं कि ये सोशल नेटवर्क्स जो होता है, यानी कि ये जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि इसमें आप अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम जो होता है उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोशल नेटवर्क्स के अंदर आप यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इन्होंने दिया कि फेसबुक जो होता है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, और फेसबुक के अंदर भी आप देखेंगे कि ओपन ग्रुप पेज जो होता है ये चीज़ हो गया, फैन का पेज हो गया, लेकिन इसमें जो आपका पर्सनल पेज होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि आपका अगर फेसबुक पे कोई पेज अगर आप बनाते करते हैं तो वो हो गया, आप वो इसके अंदर आप अपने जो एड पोस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे भी आप इनके जो है
कैंपेन को रन करवा सकते हैं। ट्विटर हो गया, ट्विटर पे भी आप कर सकते हैं, और इसके साथ आप देखेंगे यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब जो होता है प्लेटफॉर्म, उस पर भी अपने जो है आप अमेज़ोन के एफिलिएट प्रोग्राम के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में टिकटॉक हो गया, टिकटॉक के बाद में हो गया ट्विच टीवी जो होता है, इसमें भी आप अपने जो प्रमोट जो होता है आप अपने जो भी आप साइट्स के अंदर लिंक है, इन जो मेन जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि इसके अलावा जो कोई सा भी जो है प्लेटफॉर्म इसमें अलाउ नहीं करेगा। तो ये मेन इन्होंने प्लेटफॉर्म यहाँ पे दे दिए कि आप इन प्लेटफॉर्म्स में जो है अमेज़ोन एफिलिएट प्रोग्राम के जो है उसमें आप कैंपेन रन करवा सकते हैं। और इन्होंने एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साफ लिखा है कि डू नॉट लिस्ट द सोशल नेटवर्क URL, यानी कि जो भी कैंपेन अगर आप चलाते हैं या कोई भी अगर उसके अंदर आप देते हैं कैंपेन के अंदर, तो आपको उसके अंदर facebook.com, यानी कि ये वर्ड एग्जांपल के लिए इन्होंने समझाया है कि आप अगर कोई भी कैंपेन अगर रन करते हैं उसके कैंपेन के अंदर आपको ये नहीं लिखना facebook.com या कोई से भी सोशल साइट्स होता है, कोई अदर जो वेबसाइट होती है उनमें आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का डोमेन का जो नेम होता है वो आपको उसमें ऐड नहीं करना है। केवल अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग की अगर आप कैंपेन रन करते हैं तो उसके अलावा कोई दूसरी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे instagram.com, तो इन्होंने एग्जांपल पेश किया है कि भाई आप एग्जांपल देखेंगे तो इस तरह की कोई भी कैंपेन के अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने और एक चीज़ दिखी है कि कम से कम अगर आप जैसे आप कोई भी अगर सोशल साइट पर जाते हैं और इसमें जो होता है कि आपके ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका आना चाहिए, फॉलोवर्स आपके ऑर्गेनिक होने चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपके जो है मोस्ट केस के अंदर कम से कम आपके फॉलोवर्स की अगर बात करते हैं तो 500 तो होने ही चाहिए। तो इन्होंने ये एक एग्जांपल पेश किया है, कुछ इनके क्राइटेरियाज होता है कि यानी कि आपको इनको और ऑर्गेनिक इन्होंने साफ लिखा है कि आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसा नहीं हो कि आपने अपना ही एक ग्रुप बना लिया और उसमें मल्टीपल आईडीज अगर आपने क्रिएट करके अपने खुद के फॉलोवर्स को आप इसमें इंक्रीज कर देते हैं, वो प्रोसेस इसमें नहीं होना चाहिए। आप अपने जो भी कैंपेन रन करवाते हैं या फॉलोवर्स आपके ऑटोमेटिक इसके अंदर गेन होने चाहिए, तो ऑर्गेनिक आपके जो फॉलोवर्स इसमें होने चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा जो मेन एक और इसमें अपडेट होता है, बाकी के इसमें FAQs होते हैं जो कि मैं लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आप यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट आप चेक कर सकते हैं। अब लास्ट के अंदर उन्होंने एक यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि यूज़फुल रिमाइंडर्स। तो यूज़फुल रिमाइंडर्स का यहाँ पर यह होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप जो कैंपेन रन करवाते हैं उस कैंपेन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी आप प्रमोशन जो होता है, यानी आपकी तरफ से उसको एक लिमिट जो होता है, यानी कि आप ये उसमें नहीं कर सकते हैं या किसी भी अपनी जो साइट्स होती हैं उसके लिए नहीं कर सकते हैं कि ये ऑफ़र कुछ लिमिट पीरियड के लिए है या कोई स्पेसिफिक जो भी आप क्राइटेरिया है वो इसमें फिक्स नहीं कर सकते हैं। प्राइस का जो होता है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी रिवार्ड्स जो होता है या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो होता है, यानी प्रमोशंस आपकी तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको जो होता है प्राइस से रिलेटेड या कोई भी लिमिट जो ऑफ़र होता है आप सोचेंगे कि आपके पर्टिकुलर इस टाइम के लिए इतना ये ऑफ़र है, वैलिड है, इस तरह की कोई भी जो स्कीम होती है वो आप नहीं कर सकते हैं। यानी इसका जो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होता है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो होती है, तो ये कंप्लीट आपको इस चीज़ में थोड़ा सा स्टडी रखना है कि कोई भी कैंपेन अगर आप रन करवाते हैं तो उसमें प्राइस का कहीं पे कंसीडर आपको नहीं करना है, लिमिट पीरियड आपको नहीं देना है कि आप चाहते हैं कि भाई पर्टिकुलर ये डिस्काउंट है या ये ऑफ़र है कुछ टाइम के लिए है, तो इस तरह की कोई भी जो आपका नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट इसे कोई भी अगर आप कैंपेन रन करवाते हैं तो उसमें आपको किसी भी कोई दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसका आपको कहीं पर भी इसके अंदर मेंशन नहीं करना। तो ये जो मैंने आपको अभी लिंक पूरा दिखाया, यानी कि ये जो अमेज़ोन की अपनी गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड किया। तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब कभी अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो पहले उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद ही आप अपनी जो भी कैंपेन रन करवाते हैं तो उन पॉलिसीज़ के
मतलब वॉयलेशन आप ना करें जो कि आपके अकाउंट को अमेज़ोन की ओर से टर्मिनेट करना पड़े। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अगर इसमें अपना एफिलिएट के अंदर कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहले उनकी गाइडलाइंस को अच्छे से आप स्टडी कर लें। और अब मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर रियल के अंदर कितनी अर्निंग होती है और किस किस बेस पे आपको कितने यानी कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपका जो अर्निंग का जो प्रोसेस होता है यानी वो कितना कितना परसेंटेज आपको उसके अंदर जो कैंपेन आप रन करवाते हैं और उसमें ऑर्डर अगर आपको रिसीव होते हैं तो उसमें जो आपको कमीशन कितना मिलता है। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।